हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका समय कार का ये भाग एक है। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको आयु तक कवर करा दिया है। यह सीरीज एक चैप्टर बाय सीरीज है जो हर रोज शाम को 7 बजे अपलोड की जाती है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, समय कार क्या होता है इसके बारे में कुछ आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। पूरा समय कार आपका एक ही कॉन्सेप्ट पे रखा हुआ है। अच्छे से आप थ्योरी को समझना, उसके बाद पूरे चैप्टर को मैं आपको टाइप वाइज के रूप में सॉल्व करा दूंगा। क्या है कुल कार बटे समय बराबर होता है आपके पास क्षमता। अब क्षमता क्या होती है, समय क्या होता है, कुल वर्क कैसे निकालते हैं, एक एक पॉइंट को बड़े आसानी से आपको समझ लेना है। देखिए, मान लीजिए ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तब इफिशेंसी कैसे निकालोगे इनकी, कितने दिन में दोनों मिलकर इस वर्क को कर सकते हैं, कैसे हम ज्ञात करने वाले हैं, एक एक चीज समझो। देखिए, यहां से इन दोनों का जो एलसीएम होगा 20 का और 30 का 60, ये आपका टोटल वर्क को दर्शाएगा। ये आपको याद रखना है भाई, एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क को दर्शाएगा। अब इफिशियंसी कैसे निकालोगे उसके बारे में समझिए। देखिए, ए 60 काम को 30 दिन में करता है, इसका मतलब ये हुआ जो ए है वो एक दिन में 2 काम करता है। बी 60 काम को 20 दिन में कर देता है, इसका मतलब जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है। अब देखिए, जो एक दिन में किया गया जो कार्य होता है, जो कार्य करने की स्पीड होती है, जो दर होती है, उसे हम क्षमता कहते हैं, उसकी इफिशियंसी कहते हैं। तो यहां पर ये जो 2 है ये क्या है, उसकी क्षमता है। ये भी क्या है, उसकी क्षमता है, इफिशियंसी है। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है तो ये उसकी क्षमता हो गई, बी एक दिन में 3 काम करता है तो ये इसकी क्षमता हो गई। अब ए का एक दिन का काम है 2 और बी का है 3, अगर दोनों इस मिलकर इस काम को निपटाना चाहें तो कितने दिन में समाप्त करने वाले होंगे। देखिए, 60 काम करना है, एक दिन में करता है 2 और बी करता है 3, तो 3 और 2 कितना हुआ, 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और कराना हमको 60 काम है, तो इस प्रकार से इसको 12 दिन में दोनों मिलकर इस वर्क को पूरी तरह से क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। बोलो, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो मैं ये समझ सकता हूं अब कि आपको क्षमता, इफिशियंसी, टोटल वर्क में कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा वो इन सब बातों से पूरी तरह से संपूर्ण होगा, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टाइप वन की। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है भाई, ए काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक साथ मिलकर यदि दोनों उस वर्क को करें तो कितने दिन में इस कार्य को वो पूरी तरह से कर देंगे, ध्यान समझो। देखिए, ए कितने दिन में कर सकता है भाई, 7 दिन में। बी कितने दिन में करता है भाई, 7 दिन में। मैंने क्या बताया, टोटल वर्क कैसे ज्ञात करोगे, तो टोटल वर्क कितना होगा, 7। इसका एक दिन का वर्क कितना होगा, 1। इसका कितना होगा, 1। ये एफिशिएंसी हो गई, एक दिन का वर्क हो गया। और दोनों को मिलके कितना काम करना है, 7 काम कराना है, तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी आपके पास जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बेसिक से मैंने आपकी शुरुआत करी है, आज आपको पूरी तरह से बेसिक ही आपको समझाऊंगा। ये बेसिक यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है, अमन एक काम को 8 दिन में, विजय उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक साथ करते हुए दोगुने कार्य को यदि दोनों मिलकर समाप्त करते हैं तो उस वर्क को पूरी तरह से कितने दिन में करने वाले होंगे। देखिए, अमन उस काम को करता है क्या दिन में, 8 दिन में,
विजय उस काम को करता है कै दिन में, तो आप कहोगे विजय करता है भाई 10 दिन में, ठीक है। अब यहां से हम लोग टोटल वर्क उनका अब ज्ञात करने वाले हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका, एलसीएम होगा यानी 40 होगा, ठीक है। यहां तक बोलो बात क्लियर, ओके। अब इनका एफिशिएंसी निकालो, एक दिन का वर्क निकालो, यानी ए 40 काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में ए 5 काम करता होगा और ये करता होगा 4 काम। बोलो यहां तक बात क्लियर है। यदि ये दोनों मिलकर इससे दुगना काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यानी 40 से दुगना वर्क, तो 40 दूनी कितना होगा 80, 80 वर्क को दोनों मिलके 5 और 4 9 से भाग दे दोगे, तो आपका आंसर होगा 80/9 इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर डी। हो गया क्लियर, समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब लगाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में कहा गया ए एक काम को 18 दिन में करता है, तो देखिए ए करता है 18 दिन में और उसी काम को बी करता है 36 दिन में। अब यहां से दोनों का जो कुल वर्क होगा वो कितना होगा, 36 होगा, इनके द्वारा लिया गया एलसीएम होगा। अगर 36 काम को ए 18 दिन में समेट देता है तो एक दिन में ये कितना काम करता होगा, 2, 18 दूनी 36, और ये करता होगा एक काम, ठीक है। यदि पूछा होता ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 2 और 1 3 से भाग देते, आंसर होता आपके पास 12। लेकिन आपसे यहां यह नहीं पूछा है, क्या पूछा है, 2/3 काम को पूरा करने में दोनों कितना समय लेंगे, तो 36 का 2/3 काम आपको करना है, तो 36 का यदि 2/3 निकालते हैं आप तो आपको मिलेगा 12, यानी कितना, सॉरी 12 दूनी 24, 24 काम आपको दोनों से मिलकर कराना है, यानी ए प्लस बी एक दिन में करते हैं 2 और 1 3, और 24 काम कितने दिन में करने वाले हैं, तो 3 8 24 8 दिन में, यानी कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। समझ में आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये बेसिक जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई ए काम को 60 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। अब जल्दी से बना दीजिए, ए करता है 60 दिन में, बी करता है 90 दिन में, इनका टोटल जो वर्क होगा इन दोनों का एलसीएम यानी 180 होगा। एक दिन का इसका एफिशिएंसी कितना है, 3, इसका कितना होगा, 2 होगा, 6 3 18 और 90 दूनी 180। अब 180 वर्क आपको नहीं कराना है, कितना कराना है, इससे 4 गुने कार, यानी 180 का 4 गुना कराना है, किससे, ए प्लस बी से, तो 180 का 4 गुना कराना है, दोनों 3 और 2 5 काम करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करो, तो 36 पंजे होता है 180। अब 36 चौका कितना होगा, तो 6 चौक 24, बचा 2, और 4 3 12, और 2 कितना होता है अपने पास, 14, यानी आपके पास जो आंसर होगा वो 144, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर हो गया ना, ठीक है। अभी बहुत सवाल है इसमें आपके लिए, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा एक एक बात, जिससे जब भी मैं हाई लेवल की तरफ आगे बढ़ूं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, और ये मेरा आपसे वादा है, आप यदि एंड तक वीडियो देखते हैं तो 100% आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रूबी किसी कार का 1/3 काम 6 दिन में करती है। ध्यान समझो, रूबी किसी काम का 1/3 काम कै दिन में करती है, 6 दिन में, 1/3 काम 6 दिन में, यानी 3 में से 1 काम 6 दिन में करती है, इसका मतलब यह भी हो गया, तो टोटल जो वर्क करेगी रूबी वो कितने दिन में करेगी, 6 3 18 दिन में। 3 में से 1 काम 6 दिन में करती है, अगर उसे 3 काम करना होगा तो 6 3 18 दिन में कर देगी, ठीक है। आगे देखो, तथा सीमा उसी काम का 2/5, सीमा उसी काम का 2/5 का कितने दिन में करती है, 6 दिन में करती है, तो 2 3 कितना हो गया, 6, तो सीमा इसी काम को कितने दिन में कर देगी, 5 3 15 दिन में कर देगी टोटल वर्क को। अब ध्यान से देखो,
रूबी टोटल काम को करती है 18 दिन में, सीमा टोटल काम को करती है 15 दिन में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो दोनों मिलकर 3/5 भाग कितने दिन में कर देंगे। अब बहुत आराम से समझो, देखो गौर से, रूबी कितने दिन में कर रही है, 18 दिन में। सीमा क्या दिन में कर रही है भाई, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या दर्शाएगा, टोटल वर्क। 18 और 15 का जो एलसीएम है वो आपने ले लिया 180, या इन दोनों का गुणज ले लो, ठीक है। तो 18 एकम 18, इसकी क्षमता एक दिन में जो काम करता है वो 10 है, इसकी कितनी होगी, तो 15 एकम 15 दूनी 30, इसकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी एक दिन की क्षमता। क्वेश्चन में कहा गया है भाई कि 3/5 काम, यानी 180 का 3/5 काम कराना है। ये आपके पास यहाँ से 5 3 15 5 6 30, 36 3 कितना होगा भाई, तो 36 3 होता है 108। यानी आपको 108 काम कराना है और दोनों मिलकर 10 और 12 22 काम करते हैं एक दिन में, तो 108 काम कर देंगे कितने दिन में। ये 2 से डिवाइड कर दिया और आपके पास आंसर आएगा 2 5 10 2 4 8 और ये 11/5। 54/11 का मतलब होता है कितना भाई, देखो भाई, तो 54/11 का मतलब हो जाए 11 4 44 और 10 54, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट वन आंसर। समझ में आ गया, अच्छे से दोबारा आप इसको देख लेना है और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना है, ठीक है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में कर सकता है, उसी काम का 1/3 काम बी 10 दिन में कर सकता है, और ए भी दोनों मिलकर 4/5 काम वो कितने दिन में करेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कितना आएगा, इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है क्या होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत प्यार से समझना है। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को पूरा करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है, ठीक है। यानी यदि ए एक्स दिन का समय लेता है तो बी समय लेता है एक्स माइनस 5 दिन का। बोलो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। यदि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करें तो 11 सही 1/9 दिन में ये काम पूरा हो जाता है, तो बी अकेला इस काम को करने में कितना समय लेता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप एक काम यहां से आप कर लीजिए, क्या आपको करना है, बी का काम पूछा है तो आप बी को एक्स मान लो, ठीक है भाई। और ए को जो है उसने कहा ए एक काम को पूरा करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है, यानी ए लेता है एक्स माइनस 5 दिन, ठीक है। तो यहां से इन दो कितना इनका टोटल वर्क होने वाला है उसकी अपने आप बात कर लेते हैं। तो टोटल जो वर्क होगा एलसीएम यानी एक्स गुणा एक्स माइनस 5। बोलो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो इधर से इसकी क्षमता कितनी होगी, इससे इसमें भाग लगाओगे x बचेगा, ये एक दिन का इसका क्षमता हो गया, x से इसमें भाग लगाओगे तो x माइनस 5 बचेगा। यानी a का जो एक दिन का जो वर्क है वो कितना है, तो वो है अपने पास x, b का एक दिन का वर्क है x माइनस 5। अपनों को ये काम करना है तो x गुणा x माइनस 5 ये वर्क करना है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, ये हो जाएगा 2x माइनस 5। इस प्रकार से दोनों मिलकर इस काम को कर देते हैं 11 99 और 100, यानी 100/9 दिन में। अब यहां से क्वेश्चन क्या करेगा भाई, द्विघात समीकरण का रूप लेगा, लेकिन आपको यहां डरना नहीं है, आराम से सवाल करना है। देखो कैसे, क्या आपको करना पड़ेगा, अब आप एक ऐसा ऑप्शन इन चारों में से उठाइए जो कि आपको दोनों साइड बराबर दे दे। क्या बताया मैंने, आप ऐसा एक ऑप्शन यहां से उठा लीजिए कि आपको दोनों साइड वो बराबर करके दे दे। तो यहां से हम सीधे से 25 उठा लेते हैं, तब देखिए क्या दोनों साइड आपके पास बराबर होती हैं। देखो x का मान 25 लेते हैं, 25 एक्स माइनस 5 यानी कितना बचा 20/2 2x 25 2 50 माइनस 5 कितना हुआ 45, और बराबर अपने पास कितना है 100/9 है।
तो 5 चौक 20, 5 में 45, 25 चौका 100/9, इन दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आपका कहना ये होगा कि आपने एकदम से ऑप्शन कैसे पहचान लिया। देखिए, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप भी तुरंत पहचान सकते हो। ऊपर 100 बनाना है तो 15 और 10 से कभी 100 नहीं बन सकता। 150 का आधा कभी 100 पे नहीं पहुंचेगा, या किसी से भाग देकर 100 पे नहीं पहुंचेगा। उस हिसाब से आप क्या करोगे, ऑप्शन को चुन लोगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, यहां पर ए काम का 1/6 5 दिन में करता है और बी उसी काम का 2/5 8 दिन में, ए बी मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में निपटा देंगे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कितना आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आगे देखिए। क्वेश्चन में कहा गया ए 1/4 काम को 10 दिन में, बी 1/3 काम को 20 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे कितना आएगा। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ध्यान समझो, ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 20 दिन में। बोलो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना अंश अवशेष बचेगा। तो यहां से आपके पास टोटल वर्क होगा 20, एक दिन का इसका क्षमता जो होगा काम करने की दर होगी वो इसकी 2 होगी और यहां से ये 1 होगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करते हैं, तो 2 और 1 3 काम करते हैं। लेकिन इन दोनों ने मिलकर कै दिन काम किया है, तो आप कहोगे सर इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है। यदि एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिन में ये 15 काम कर लेंगे, 15 वर्क हो गया। अब करना था आपको कितना काम, 20, और हो गया कितना काम आपको भाई, 15 काम हो गया। 20 काम करना था, 15 हो गया, तो शेष कितना बचा, 5। यही पूछा था टोटल वर्क का, यानी 20 पर शेष काम बचा 5, यानी हम कह सकते हैं 1/4 आपके पास शेष भाग होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यही पूछा था। तो कार का कितना अंश शेष बचेगा, 1/4, 15 वर्क हो गया 20 में से, तो 5 काम और बचा, टोटल वर्क था 20 का, यानी 1/4 काम और शेष रह गया, ठीक है। जनार्दन किसी कार का 2/3 10 दिन में पूरा करता है, वह उस कार का 3/5 कितने दिन में पूरा करेगा। आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कितना आएगा, ठीक है। तो आज ये टाइप हम लोग रखते हैं यहीं तक, और अब आपको आगे याद रखना है, हर रोज आपको अब ये वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड की जाएगी, और इसी प्रकार आप मेरे साथ लगे रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।